हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल कुकिंग विद खुशी एंड ब्लॉग में। आपने डोसे कई तरह के खाए होंगे और खिलाए भी होंगे, लेकिन मैं जो आपको आज डोसे की रेसिपी बता रही हूँ वो नागपुर का बहुत ही फेमस डोसा है। उस डोसे का नाम है वोल्केनो डोसा और इस डोसे को हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स और टिप्स के साथ बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा जिससे आपसे कोई भी एक पॉइंट इसका मिस ना हो। बैटर कैसे तैयार करते हैं इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ी हुई है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट और कुछ ट्रिक एंड टिप्स के साथ बनाई हुई वीडियो है। देखिए, मैंने यहाँ डोसे का तैयार रखा, गर्म किया, उसके बाद पानी की छींटे डाली और टॉवल से पोंछा है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर बैटर को फैलाया। देखिए बैटर है ना एकदम परफेक्ट जालीदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस डोसा है। प्लीज गाइज एक बार जरूर ट्राई करिए। मैं सबसे पहले इसमें मैं अमूल बटर डालूंगी, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और हरे प्याज की पत्तियां थोड़ी सी, और प्याज, हरा धनिया, और फिर हम डालेंगे इसमें मोयनीज एक चम्मच। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ सेजवान चटनी डाली है और रेड चिली सॉस डाली है, आप ये अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं रेड चिली। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए केचप डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए गाइस। और डोसा बनाने में एक ट्रिक ये है कि जब भी आप डोसा का बैटर तवे पे फैलाएं तो गैस का फ्लेम हाई रखिएगा, लेकिन जब उसको पकाएं तो उसको मीडियम रखिएगा, तो हमारा डोसा बहुत ही अच्छा बनता है। उसके बाद इसमें हम अमूल चीज को ऐड करेंगे। अमूल चीज मैंने वन क्यूब लिया था, उसको फैला दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मसालों में आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। और देखिए अब इसको ढक देंगे, और ढकने से पहले मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। और फिर हम इसको एक मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस एक मिनट से भी कम या एक मिनट बस। देखिए अब हमारा डोसा बनकर तैयार है और मैं आपको कट करके और सर्व करके दिखाती हूँ इसको। देखिए लग रहा है ना बहुत ही यम्मी यम्मी और बहुत ही डिलीशियस डोसा। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। और देखिए अब यहाँ पर हम चीज़ फैला रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ डालेंगे। और मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हरी प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज और हरे धनिया की पत्तियाँ मैंने इस पे डाली हैं। देखिए लग रहा है ना बहुत ही यमी। मैंने इसको तीन तरह की चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो एक चटनी या सांभर या आप सिंपल भी खा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।